राजस्थान रॉयल्स कुछ छटके से उबरते हुए प्लेऑफ की ओर अपनी दौड़ शुरू कर दी है। संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान शनिवार को अपनी 11वें मैच में पंजाब किंग्स को हरा दिया है और इस तरीके से राजस्थान ने पॉइंट टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस वाले मुकाबले में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रनों का दमदार स्कोर खड़ा किया। ये स्कोर और भी बड़ा हो सकता था अगर राजस्थान के लिए एक बार फिर युजेंद्र चहल की लेग स्पिन का जलवा दिखाया नहीं दिखता। फिर बैटिंग में युवा ओपनर यशवी जायसवाल ने टीम में वापसी का जश्न शानदार अर्धशतक से मनाया और 6 विकेट से टीम की जीत की नाभि राखी। और टॉस हारने के बाद पंजाब ने पहले बैटिंग की और शिखर धवन के जल्दी आउट होने से दूसरी बार ओपनर जॉनी बेयरस्टो ने 40 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के से 56 रन की पारी खेली। उनके अलावा निचले क्रम में जितेश शर्मा 18 गेंदों में नाबाद 38 4 चौके 2 छक्के और लियम लिविंगस्टीन ने 14 गेंदों पर 22 रन 2 छक्के 2 चौके ने तेजी से अहम रेड बॉर्डर दोनों से 5वें विकेट में लिए। सिर्फ 26 गेंदों में 50 रन की साझेदारी करते राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट पर 189 रनों के लिए मौजूद स्कोर तक पहुंचाया। तो आज के लिए इतना ही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक चैनल कर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बटन बिल्कुल ही फ्री में है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। तो फिर के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।